किस तरीके से वेल हम सोल्जर्स प्ले कर रहे हैं बेसिकली आज़ाद हिंद फौज के जो सुभाष चंद्र बोस जी के लीडरशिप के अंडर बनाई गई थी। तो हाँ, बाकी ये इट्स अ पीरियड वॉर ड्रामा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है हिस्ट्री का जो दर्शाया जा रहा है इसमें। तो या वो तो जो मेरा किरदार है माया, वो रानी झांसी रेजिमेंट की एक सोल्जर है। और रानी झांसी रेजिमेंट आज तक ये ऐसा एक ही रेजिमेंट था जो ऑल वुमेन रेजिमेंट था, जो लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैटल फील्ड पर गए थे। और मैं और बाकी जो भी लड़कियां हैं, हम सब उस रानी झांसी रेजिमेंट में हैं। और आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारी हिस्ट्री का, क्योंकि आज तक हमने एक ऐसा कॉम्बैट रेजिमेंट नहीं देखा। तो हम मैं उस किरदार में आऊँ। जी जी डिफ़िकल्ट एज इन थोड़ा अलग था। हमने काफ़ी आई थिंक हफ्ते 10 दिन की वर्कशॉप करी थी कॉम्बैट के लिए, गन्स हैंडलिंग और गन्स को हैंडल करने के लिए। फिर मिलिट्री मार्चिंग सीखी थी एंड काफ़ी एक्शन के लिए हमने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी थी इसके लिए। लेकिन जर्नी आई थिंक काफ़ी बढ़िया रही है हमारी, काफ़ी अच्छे से एक सुकून से निकली है हमारी जर्नी। आई थिंक सबके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि अगर हम एक्टिंग शो ये सब साइड में रखें, तो एक्चुअली ये स्टोरीज किसी की रियल लाइफ थी। और ये ऑब्वियसली फिक्शनलाइज की गई है इनटू मैनी स्टोरीज कल्पिनेटेड इनटू एक एक किरदार। लेकिन सबसे आई थिंक कठिन ये रहा कि किसी की अगर रियल लाइफ आप पोर्ट्रे करें, तो आपको उस रिस्पेक्ट, आपको वो दर्जा देना पड़ता है। बिल्कुल तो आई थिंक सबके लिए सबसे चैलेंजिंग आई थिंक यही रहा होगा कि वी होप कि हमने जस्टिस किया है उनकी लाइफ से। बिल्कुल नहीं, एक्चुअली बिल्कुल प्रेशर नहीं बढ़ जाता, सीखने को बहुत ज़्यादा मिल जाता है करेक्ट। आपको एज एन एक्टर। सो आप इतने रॉ रहते हो कि आप बस एक खाली ग्लास की तरह हो, राइट? तो वो बस वही था कि वो डालते जा रहे थे और हम सीखते जा रहे थे और करते जा रहे थे। किस चीज़ इसके लिए एक्चुअली ज़्यादा नहीं मिला था हमने, क्योंकि स्क्रिप्ट इतनी सुपर्ब तरीके से उन्होंने लिखी हुई थी एंड प्लस उन्होंने करीब 20 साल पहले 99 में एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी द फॉरगॉटन आर्मी नाम की। तो हमने वो डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उससे काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला कि वो किस तरह से उनकी जर्नी रही थी। थोड़ा बहुत INA के ऊपर रिसर्च किया उस टाइम के। सो आई थिंक बाकी तो जैसे जैसे प्रोसेस आप शूट करते जाते हैं वैसे वैसे आपके किरदार के बारे में आप ज़्यादा समझते जाते हैं एंड उस पीरियड के बारे में ज़्यादा समझते जाते हैं। बट मेनली इट वॉज जस्ट अ कोलैबोरेटिव एफर्ट थ्रू आउट, ऐसा कुछ एक सेट नहीं था उस चीज़ के लिए। एक्चुअली कबीर सर ने ना हम सब सभी को पहले हमारा एक पर्सपेक्टिव डिसाइड करने के लिए वो एक वक्त दे दिया। उन्होंने पहले किसी को ये नहीं बताया कि आपका किरदार, आपके किरदार को ऐसे होना चाहिए या वैसे होना चाहिए। उन्होंने सबको लिबर्टी दी। और जब हम टेबल पे साथ में बैठ कर रीडिंग्स करते थे, तब हम एक्चुअली मिलजुल के हम सभी ने एक कहानी साथ में बनाई है। और कबीर सर बीइंग द कैप्टन ऑफ द शिप, ऑफकोर्स उन्होंने उनका सबसे मेन दर्जा रहा है सब में। बट आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट था कि उन्होंने एक्चुअली हमारी भी बहुत सुनी है। बिल्कुल एक्चुअली ये जो जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ सुरेंद्र सोढी का, ये 3 कैरेक्टर्स को कल्मिनेट करके एक कैरेक्टर बनाया गया है। गुरबख्श ढिल्लों, शाहनवाज और सहगल साहब जो थे, इन तीनों की कहानियाँ मिलाकर सुरेंद्र सोढी का कैरेक्टर बनाया गया। तो मैंने वही जैसे मैंने कहा, वो डॉक्यूमेंट्री काफ़ी हैंडी रही क्योंकि उसके थ्रू काफ़ी कुछ सीखने को मिला इनकी कहानियों के बारे में। फिर कबीर सर ने इतने ज़्यादा रिसर्च कर रखा था इन तीनों के ऊपर कि बैठकर बस वो सुनते देखे, यू नो, कि वो किस तरह से उन्होंने ब्रिटिश ब्रिटिश आर्मी छोड़कर आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन किया, उनका क्या थॉट प्रोसेस रहा था, क्या क्या देखा उन्होंने उसके थ्रू। एंड फाइनली जब वो बर्मा में उनकी हार हुई थी और फिर जब रेड फोर्ट ट्रायल्स हुए थे उनके ऊपर, तो वो पूरा सुन सुन कर उसके ऊपर बेस करने की। बट चूंकि एक अपने आप में एक अलग कैरेक्टर है, एक फिक्शनल कैरेक्टर है, तो उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था टू बिकम समबडी एल्स।
मैं अपना एक टेक भी उसमें डाल सकता था, जो आई थिंक कबीर सर ने काफ़ी अच्छी तरीके से छूट दी. एक्चुअली जो कबीर सर ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उसमें दो कैरेक्टर्स थे, एक थी जानकी देवी जी और दूसरी थी लक्ष्मी सहगल, कैप्टन लक्ष्मी सहगल. और ये बेसिकली जो मेरी स्टोरी है उसमें एक मिक्स है ऑफ बोथ दी स्टोरीज. और इसलिए आई थिंक जब हमने वो डॉक्यूमेंट्री देखी तब सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन उससे लिया गया कि वो एक्चुअली क्या फील कर रहे थे वो पूरे समय, कि वो जब वहाँ थे उनको कैसा लगा. तो बस उसी से इंस्पिरेशन उठाया है. जी आप लोग पर्सनली कितने इमोशनल हुए? पर्सनली तो काफ़ी, क्योंकि बिकॉज बहुत कुछ पता चला ना हमें, हमें इतना ज़्यादा पता नहीं था उस चीज़ के बारे में. बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारे डायनामिक्स इन प्ले थी, स्पेशली फॉर द कैरेक्टर जो मैं पोर्ट्रे कर रहा हूँ. क्योंकि ये पहले आप ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, फिर आप हार जाते हो, फिर आप आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन करते हो, तो वो किस थॉट प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं कि आपके अलीजेंस, आप एक आर्मी से दूसरी आर्मी पे शिफ्ट कर रहे हो, फिर आपको गद्दार बुलाया जाता है क्योंकि आपने अपनी एलिजेंस शिफ्ट कर ली है, यू वेजिंग वॉर अगेंस्ट द किंग, उस समय ये कहा जा रहा था. सो वो जर्नी मेंटली काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है, मोर देन उसे कैसे कहूँ, मतलब एक्टिंग से ज़्यादा वो उसे इंटरनलाइज करने में ज़्यादा इम्पोर्टेंस था उसका. हमें यू रियलाइज़ होता है कि हम एक्चुअली कितनी आसानी से ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि हम एक्चुअली एक फ्री इंडिया में जी रहे हैं. और उनके लिए क्या हो, मतलब वो किस चीज़ के लिए लड़ रहे थे वो आज तक हम नहीं समझ पाएंगे. तो वो एक्चुअली नॉट जस्ट एज एन एक्टर बट एज अ पर्सन ऑल्सो मुझे से लगा एक बहुत ही हार्ड हिटिंग फीलिंग थी कि मतलब क्या सोचा होगा उन्होंने, कि क्या रहा होगा, कि मतलब बहुत सारे लोगों ने तो कभी भारत देखा भी नहीं था. करेक्ट. तो मतलब देशभक्ति भी कैसी थी कि तब सब छोड़ छाड़ कर 17-18-19 साल की लड़कियां बस कॉम्बैट के लिए निकल गई थी. तो आई थिंक कि वो एज अ पर्सन मेरे लिए एक बहुत बड़ा लेसन था. इसी के साथ में अगर बात की जाए आपके इसके लुक के लिए, लुक भी काफ़ी आपने अलग कर रखा है इस फिल्म के लिए, उसके बाद एक्चुअली हाँ फॉरगॉटन आर्मी में मैंने मूछें रखी और शेव कर रखा है छोटे, बट वो एक स्टैंडर्ड एक ये था कि कुछ अलग करते हैं, मूछें रख लेते हैं, फौजी प्ले कर रहे हो एक, एंड प्लस माय कैरेक्टर वाज प्लेइंग, जो मेरा कैरेक्टर था वो एक क्या कहते हैं, फौजी बाय लेगेसी था, कि मतलब उनके डैडी उनके दादा वो भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, तो एक थोड़ा सा उस चीज़ के लिए वो रखा गया था. ये तो अलग है, खैर ये तो किसी और चीज़ के लिए दाढ़ी रखी हुई है, बट हाँ थोड़ा सा डिफरेंट किया था उसमें. किस तरीके से हमें कॉल आया था ऑडिशन के लिए कि हमारे जो कास्टिंग डायरेक्टर है मुकेश छाबड़ा जी, उनका फ़ोन आया था कि एक कबीर सर डायरेक्ट कर रहे हैं शो अमेज़ॉन प्राइम के लिए, तो उसके लीड प्रोटैगनिस्ट्स के लिए फ़ोन आया था. हमने ऑडिशन दिया, दो तीन राउंड रीडिंग्स किए हैं, फिर यहाँ पे. अरे बहुत बहुत बढ़िया रहा. पहला रिएक्शन तो ये था कि पढ़ ले अच्छे से आईएनए के बारे में कि है क्या ये चीज़, ताकि अपने आप को एम्बेरस ना करें कबीर सर के सामने जाकर. तो बट नहीं, बहुत खुशी हुई, काफ़ी एक अच्छा, एक बहुत बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी था. सो या और आई थिंक उस फिल्म की तब बात करेंगे जब वो रिलीज हो रही होगी. आज हम फॉरगॉटन आर्मी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसके लिए बात करेंगे. ओके, लास्टली कोई एक एक चीज़ जो बताना चाहें जो आपने इसके स्टूडियो में द्वारा नाम दो सीखी हो. एक चीज़ मैंने, यार मतलब पता नहीं है बोलना चाहिए कि नहीं थोड़ा सा, बट मैंने मशीन गन चलानी सीखी है इसके लिए. तो ये एक चीज़ सीखी. दूसरी यार मैंने एक चीज़ सीखी है कि कबीर सर के साथ काम करके कि शांत रहना कितना ये होता है, ज़रूरी होता है काम के लिए. यू नो, बहुत आसान होता है कि आप इरिटेट हो जाओ, बहुत आसान होता है कि आप गुस्सा कर लो, लेकिन शांत रहकर वही चीज़ करना कितना महत्वपूर्ण होता है वो सीखी है. एक्चुअली कबीर सर ने सबको ये बताया था कि जो जर्नी होती है वो कितनी इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी फिल्म हो या शो हो, कुछ भी बनाने में.
और बिकॉज मैं आई एम सो न्यू, मुझे हमेशा लगता था कि वाओ कि मतलब जब ये रिलीज़ होगा ये कैसे होगा ये वो, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली हम इतने महीनों के लिए जो साथ में काम करते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. रिलीज़ के बाद लोगों को पसंद आए ना आए वो तो लोगों पे डिपेंड करता है, तो एक्चुअली सबसे ज़्यादा खुशी हमें तब मनानी चाहिए जब हम एक्चुअली वो शूट कर रहे होते हैं, वो जो पीरियड होता है कि सब एक फैमिली बन के जब रह रहे होते हैं. तो आई थिंक मैंने वो सीखा. क्या कहना चाहेंगे कि 24th जैन को देखिए सीरीज, बस बिंज करना है आपको, कुछ नहीं है, ऑन करना है, देखना है, सिंपल, कहीं पे भी. थैंक यू. आई थिंक कहानी जैसे टीजर में दिख रहा है और कल ट्रेलर में दिखाई देगा. आई थिंक एक तो जब लोग टीजर ट्रेलर देख रहे हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं जो स्केल है सीरीज़ का उस पर रिएक्ट कर रहे हैं. और ये मैं कहना चाहता हूँ कि स्केल वाइज ये मेरी किसी भी फिल्म से बड़ा है. लोग यूजली सोचते हैं कि अगर सीरीज़ है OTT प्लेटफॉर्म के लिए तो फीचर फिल्म से बड़ा स्केल नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ और मैंने काफ़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, स्केल वाइज ये मेरी किसी भी फिल्म से बड़ा है. क्योंकि कहानी ही ऐसी है, ये कहानी है आज़ाद हिंद फौज की, 55,000 मेन एंड वेमेन जो 1942 से 1945 वर्ल्ड वॉर टू में उन्होंने एक फ़ौज बनाई और वो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़े थे. लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये सारी लड़ाइयाँ हिंदुस्तान के बाहर हुई, बर्मा में हुई ज़्यादातर, इन पे एक सेंसरशिप लगा दिया गया था और इनकी जो कुछ भी वहाँ हो रहा था इनके बारे कोई खबर नहीं आती थी. और फिर जब ये हारे और इनको वापस एज प्रिजनर्स लाया गया, रेडफोर्ड ट्रायल्स हुए, उसमें कुछ कहानियाँ उनकी निकली, लेकिन उसके बाद फिर हम इनके बारे में भूल गए. और आज अगर हम यूथ से बात करें तो आज़ाद हिंद फौज के बारे में उनको कुछ भी नहीं मालूम है. मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलें तो तब भी एक यू नो दे नो अबाउट हिम और कहते हैं कि हाँ हम जानते हैं, रिकग्नाइज करते हैं. लेकिन आज़ाद हिंद फौज की क्या कहानी है, इसमें कौन थे, इनके साथ क्या हुआ, ये सब हम भूल गए. इसलिए टाइटल फॉरगॉटन आर्मी ये बहुत ऐप टाइटल है, क्योंकि सही में इस फौज को हम बिल्कुल ही भूल गए हैं. और अटेम्प्ट यही था कि मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी इनके बारे में. उस टाइम पे इनके दो वेटरन्स कैप्टन लक्ष्मी सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लन हमारे साथ, मेरे साथ सिंगापुर से थ्रू मलेशिया बर्मा ड्राइव करके 3 महीने हमने ड्राइव किया था और पूरा रूट रिट्रेस किया था. उसके थ्रू पता चला हमें कि कहानी क्या थी. उसके बाद जब मैं ये ओरिजिनल सीरीज़ लिख रहा था मैंने कहा यार ये कहानी बहुत इम्पॉर्टेंट कहानी है. स्टोरी वाइज ऑफकोर्स ड्रामा है, सब कुछ है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट भी है कि एज अ कंट्री वी शुड नो वॉट दिस वॉज अबाउट. क्योंकि यू नो कुछ चैप्टर्स होते हैं हिस्ट्री के जो बहुत ही इंस्पिरेशनल होते हैं, और ये एक ऐसा एक इंस्पिरेशनल चैप्टर है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं. और इसलिए ये अटेम्प्ट है फॉरगॉटन आर्मी की में फाइनली ये कहानी एक टू अ बिगर ऑडियंस बताई जाए. यू राइट, आई थिंक अगर आप कुछ हिस्टोरिकली एक्यूरेट कहानी सुनाना चाह रहे हैं, एक ट्रू स्टोरी कहाना बताना चाह रहे हैं, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. क्योंकि काफ़ी बार ही हमने देखा है कि बहुत सारे लिबर्टीज़ लिए जाते हैं हिस्ट्री में, जो इवेंट्स हुए, जो कैरेक्टर्स थे. आई थिंक ऑफकोर्स सबका एक नज़रिया होता है, हर फिल्म मेकर का एक नज़रिया होता है किस तरीके से वो स्टोरी कहाना बताना चाहते हैं, लेकिन एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए. वो रिसर्च होना चाहिए कि आप एटलीस्ट डिटेल्स जो हैं वो तो एक्यूरेट रखिए. ऑब्वियसली एक इंटरप्रिटेशन होगा, हिस्ट्री भी एक इंटरप्रिटेशन है. आप अलग अलग लोगों को पढ़ें एक चीज़ के बारे में अलग अलग नज़रिए आपको दिखाई देते हैं. सिमिलरली एज अ फिल्म मेकर जब मैं कहानी सुना रहा हूँ तो अल्टीमेटली मेरा नज़रिया रहेगा, लेकिन एटलीस्ट डिटेल्स, डेट्स, इवेंट्स एक्यूरेट होने चाहिए. उनके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जो फॉरगॉटन आर्मी में बहुत रिसर्च गया है. 2-3 साल का रिसर्च तो पहले डॉक्यूमेंट्री में गया, वो हमारा बेस है. उसके बाद जब हम फिर से लिख रहे थे फॉर एज ओरिजिनल सीरीज़, फिर एक यू नो डिटेलिंग रिसर्च,
नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कि क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, बट सिंपल चीज़ें कि यूनिफॉर्म कैसा था, गन्स कैसे थे, किस तरीके से बैटल्स हुए, किस लोकेशंस में हुए, उन सबको रिक्रिएट करने में एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोसेस रहता है एंड एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है. आई थिंक टाइम से ज़्यादा फॉर्मेट की बात है. डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट और एक फिल्म या ओरिजिनल सीरीज़ का फॉर्मेट ही बहुत अलग होता है. डॉक्यूमेंट्री एक इंटीमेट प्रोसेस होता है. आप चाहते हैं कि आप अपने कैमरा के साथ, अपने कैमरा क्रू के साथ जाएं और जितने कम लोग हो सकते हैं, जितने आप बिल्कुल ही अनऑब्ट्रूसिव, जितना बिल्कुल ही बिना हल्ला किए एक जो भी कैमरा के सामने अनफोल्ड हो रहा है उसको आप कैप्चर करें. कोशिश ये रहती है कि आपके प्रेजेंस से रियलिटी नहीं बदलनी चाहिए. तो डॉक्यूमेंट्री का वो प्रोसेस रहता है. लेकिन एक सीरीज़ या फिल्म का प्रोसेस जो होता है, आप तो 100 लोगों के साथ जाते हैं, यू ट्राई एंड कंट्रोल एवरीथिंग, लेकिन कहानी का इथॉस, कहानी की जो एक जो मैजिक है वो सेम रहनी चाहिए. और वो मुझे लगता है कि जो डॉक्यूमेंट्री है फॉरगॉटन आर्मी और अब ये ओरिजिनल सीरीज़ जो है फॉरगॉटन आर्मी, इन सब में कॉमनैलिटी वो है कि वो कहानी में क्या बात थी जो मैं इतना एक्साइट हो गया था एज अ फिल्म मेकर, कि मैं काफ़ी बार कहता हूँ कि मैं फिल्म मेकर बना हूँ इस कहानी की वजह से. फॉरगॉटन आर्मी की जो कहानी है उसकी वजह से मैं फिल्म मेकर बना हूँ. वो मैजिक लूज़ नहीं करना चाहिए. फॉर्मेट बहुत अलग है डॉक्यूमेंट्री और ओरिजिनल सीरीज़ की, लेकिन वो मैजिक सेम है. इस एक तो एक कास्टिंग का डिसीजन ये लिया हमने कि हम इसमें न्यू कमर्स लेंगे. वो एक बहुत आई थिंक इम्पॉर्टेंट डिसीजन था. और ये डिसीजन मेरे लिए एक नया था, क्योंकि फीचर फिल्म्स में अगर आप इतने बड़े बजट पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो एक फॉरगॉन कंक्लूजन रहता है कि यार बड़े स्टार ही लेना पड़ेगा आपको, नहीं तो स्टूडियोज आपको बैकअप नहीं करेंगे. यहाँ पे अमेज़न ने मुझे बोला कि नहीं, हमें स्टार नहीं चाहिए, हमारे लिए स्टार आपकी कहानी है, वी वॉन्ट टू स्पेंड ऑन द स्टोरी. वो मेरे लिए एज अ फिल्म मेकर बहुत रिफ्रेशिंग था, बहुत एम्पावरिंग था कि मैं ये कहानी इस स्केल पे सुना सकता हूँ. लेकिन एक्टर्स मेरे सारे नए रहेंगे, और नए हम इसलिए चाहते थे क्योंकि जो कैरेक्टर्स के एज हैं वो बहुत यंग है. ये बहुत यंग सोल्जर्स थे, यू नो, हु डिसाइडेड टू गो इनटू बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर. तो उसके लिए एक बहुत लंबा चौड़ा ऑफकोर्स ऑडिशनिंग प्रोसेस सेटअप किया. बहुत सारे लोगों को ऑडिशन किया, उनके साथ मिले, उनके साथ बातचीत करी और फिर जाके फाइनलाइज किया लीड्स को. तो शाहरुख ने बहुत ही ग्रेशियसली हमारे लिए वॉइस ओवर दिया है, हमारे ओपनिंग इंट्रोडक्शन जो मॉन्टाजेस हैं, क्योंकि एक हिस्टोरिकल है, एक ट्रू स्टोरी है. तो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आता है हर एपिसोड से पहले रियल फुटेज के साथ, उसमें वॉइस ओवर शाहरुख खान का है. शाहरुख से मैं पहले भी बात कर चुका था जब ये एक फिल्म स्क्रिप्ट थी. उस टाइम मैं चाहता था कि शाहरुख के साथ ये फिल्म करें. हमने इक्का दुक्के बातें करी थी, इससे ज़्यादा आगे बढ़े नहीं थे. तो जब मैं फाइनली ये ओरिजिनल सीरीज़ बना रहा था, मैंने कहा मैं शाहरुख से पूछता हूँ, क्योंकि शाहरुख का एक इन्वॉल्वमेंट भी रहा है इस आर्मी के साथ. शाहरुख के फादर का एक इन्वॉल्वमेंट रहा है जनरल शाहनवाज खान के साथ, जो इस आर्मी के अहम एक हिस्सा थे. तो मुझे पता था एक उनकी एक सिंपथी एक है आज़ाद हिंद फौज के साथ, एक अटैचमेंट है. तो मैंने ऐसे ही फ़ोन किया, मतलब यू नो, एक सुपरस्टार को फ़ोन करना, बोला मुझे वॉइस ओवर कर दो. लेकिन शाहरुख ने बिल्कुल ऐसे चुटकी में, यूजली शाहरुख के साथ अगर आप फिल्म के बारे डिस्कस करें तो एक बहुत लंबा एक प्रोसेस होता है डिस्कशन का, बट इस मामले में लिटरली दूसरे दिन शाहरुख आए और उन्होंने वॉइस ओवर किया हमारे लिए. और यू नो, आई डोंट नो वेदर ही वुड लाइक मी टू से दिस, बट आई थिंक आई शुड, इसके लिए पैसे भी नहीं लिए हमसे. ही सेड मैं इस चीज़ के लिए पैसे नहीं लूँगा इस प्रोजेक्ट के लिए. तो आई थिंक एक बहुत ही ग्रेशियस एक आई थिंक जो आज़ाद हिंद फौज का एक पूरा एक अटैचमेंट है उनके दिल में, एक जो जो आज़ाद हिंद फौज के बारे में एक इमोशन है, आई थिंक उसका रिफ्लेक्शन था ये. सॉरी, आई थिंक व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि ये कहानी बहुत ही एंगेजिंग कहानी है, बहुत ही ड्रामेटिक कहानी है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहानी भी है. देखिए, आई एम वेरी श्योर कि कोई भी ऑडियंस आपको, क्योंकि आप ट्रू स्टोरी सुना रहे हैं, आपको कोई ब्राउनी पॉइंट्स नहीं देने. अगर आप ट्रू स्टोरी के एक्सक्यूज़ में उनको बोर करने वाले हैं तो वो नहीं देखने वाले हैं.
फॉरगॉटन आर्मी बहुत ही एंगेजिंग कहानी है, बहुत ही एक्साइटिंग कहानी है, और उस सब के बावजूद एक ट्रू स्टोरी है इसमें। जो आप जो भी आप सीन्स देखेंगे, जो भी आप इवेंट्स देखेंगे, वो सही में हुए थे, और आई थिंक वो रिएक्शन रहेगा, क्योंकि ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी टेस्ट स्क्रीनिंग्स में देखा है। जो यूथ है, जो हिंदुस्तान की यंग पॉपुलेशन है, उन्होंने जब जिस तरीके से वो रिएक्ट किया, उन्होंने कहा यार हमें पता ही ना नहीं था कि ये सब हुआ है, और वो रिएक्शन आएगा जब फॉरगॉटन आर्मी आप देखोगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।